Ah, bon, mais allez, pas bon. हाँ दुखी क्या कहना चाहोगे, आज हमने दारुल बाजार में जो सफाई की मुहिम का जो आगाज़ किया था, हाँ माशाल्लाह यहाँ पर कोई डस्टबिन भी लगे हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे, जो दारेल में जो दुकानदार रहते हैं उनको क्या पैगाम दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलीम साफ़ी आपका बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं सन 2015 में सबका मिनिस्टर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान ने दारेल का दौरा किया, उसी टाइम उसने कहा कि मैं 2 ट्रैक्टर और 2 सुर्खी दूँगा दारेल के लिए। एक दारल की गंदगी, दारल में कचरा, निमाजी लोग चल रहे हैं, गंदी नालियाँ हैं, कचरा है, ये इनके लिए। लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया। बाद में वो फाइल लेकर हम खुद डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर का और बल्दिया चीफ, चीफ डायरेक्टर के पास, डीमो तक मैं, मेरे पास फाइल मौजूद है। उसी वक्त से आज तक कोई किसी ने कोई हेल्प मदद नहीं किया। उन फाउंडेशन का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने दारल बाज़ार, इसके इर्द गिर्द मसाजिद थे, मदारिस है, इसके इर्द गिर्द स्कूल्स है, उसके लिए और बाज़ार के लिए उसने ये जिसपे दिन भी दिया है, और अभी उसके लिए सुजुकी भी है, ड्राइवर तक भी है, और उसके ऊपर कचरा दूर फेंकने का भी, मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसी के ये हम नहीं करना, हमने खुद करना है, हमने खुद ये सफाई करना। हमारे साथ उलमा-ए-किराम मौजूद है, हमारे साथ नंबरदारान मौजूद है, हमारे बाज़ार कमेटी मौजूद है। आप इनसे आप खुद अंदाज़ा लगा, खुद आप खुद पूछे सर इनके बारे में। मौलाना साहब क्या कहना चाहोगे, आप सफाई के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये फाउंडेशन वाला ने जो ताउन किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने सफाई के बंदोबस्त किया। और ये सफाई करना सबसे पहले शरीयत के रूह से भी और सफाई जरूरी है, और कानून के लिहाज से भी सफाई की ज़रूरत है, और उर्फ के लिहाज से भी सफाई की ज़रूरत है। शरीयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, अदा ईमान है। तो ये सफाई करना बदबूदार चीज़ें बाज़ार से हटाना और साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरत इस वजह से है कि इस यानी गंदगी की वजह से और बदबू फैलते हैं और फिर बीमारियां फैलते हैं। तो ये फाउंडेशन वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ नमस्कार, सब क्या कहना चाहोगे आप, ये जो मौन फाउंडेशन उनको क्या पैगाम देंगे, उनका किस तरह आप शुक्रिया अदा करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह इनको मजीद भी यहाँ हमारे दारुल बाज़ार की सफाई के मुतालिक उनका और जैन और करके और भी बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सफाई में मैं ये कहता हूँ कि ये जो कागज़े मिलते हैं, इनमें हदीस और कुरान पाक का आयते और पैगंबरों का नाम, सहाबा के नाम, ये हमारे पाँव का नीचे आते हैं। ये कागज़ भी उधर जो झाड़ू लगाते वक्त मैंने 2-3 दफ़ा झाड़ू लगा था, मैंने उठाया है। तो मैं इस बात का भी और फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बाज़ार की सफाई के अलावा हमारे पास कुरान मजीद का आयते और हदीस का नुस्खे और हमारे सहाबा कराम के नाम और हमारे पैगंबरों का नाम पाँव का नीचे आते हैं बाज़ार में, तो उनका भी एक बड़ा तहफ़ हो जाता है। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर ये बाज़ार की जो सफाई है, इनका सारे मिल के हम दुकानदारान साहबान को भी कहेंगे कि अपने दुकानों के दरवाज़े पे अपना जो कागजात है, मलबा है, उनको जमा रखेंगे और साथ साथ कुर्बानी दे के इन चीज़ों के अंदर हम ले जाकर कहीं एक महफूज जगह में, और हम भी ताउन करने के लिए हर वक्त उलमा नंबरदारान सब हम तैयार हैं, हर वक्त रात दिन ताउन करने के लिए इंशाल्लाह। और तुम्हारे हमारे साथ जो ताउन है,
آپ اپنا وقت نکال کے جو ہمارے معاملات کو آگے تک بھیجتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر ایک معذور افراد بھی آئے صفائی مہم کا حصہ بنا تھا، ان سے بھی کچھ خوشی کرتے بات کرنے کی۔ اچھا بھائی جان کدے آنا ٹھیک ہونا ہے؟ اچھا بازار صفائی میں کوئی تو ہوٹل بلول جگہ سے کدے لے بھی صفائی تھے مزہ لو کدے بھی لے صفائی تھوں تیار ہونا تھا۔ اچھا زبردست صفائی بسام بھی لے آئے بازار صاحب بھی لے آج جے کے گندگی لے تھی کہ نہیں ڈسٹبن اڑ جاتا ہے یا ہاں شابش۔